रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, हर लक्ष्य को पाना है। कैसे हो सर, स्वागत है आपका अमृतसरी आरके में। नमस्ते सभी को। या आपने सही पढ़ा हेडलाइन में, आई टॉप्ड SBI PO Prelims। यो यस, मतलब खुशी होती है वो अलग ही होती है। एंड कट ऑफ मैं बता देता हूँ पहले, सबसे पहले तो कि टोटल SBI प्रीलिम्स जो था वो 100 मार्क्स का था, जिसमें SC की कट ऑफ गई 61.75, ST की गई 54.75, OBC की गई 68.25, EWS की गई 68.25, जनरल की गई 71.0, LD की गई 59.50, VI की गई 64.75, HI की गई 16.25 और DE की गई 0.25। ये सारी कट ऑफ्स थी। एंड जो हम तो जनरल बंदे, तो हमारी कट ऑफ गई 71। आपने सही सुना है यार, अच्छा एक अलग ही फीलिंग आती है कि यार यू टॉप्ड एग्जाम। अब बात करते हैं कि टॉप हमने कैसे किया है। देखो भाई, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है बहुत हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो अब बताते हैं आपको कि मेरे कितने मार्क्स आए। आई स्कोर्ड 52.25। आप कहेंगे ये कैसे टॉप किया, ये तो मैंने कट ऑफ तक नहीं क्लियर की। मैंने कब कहा मैंने इंडिया में टॉप किया? मेरी अपने 3 साल की मेहनत से मैं बढ़ते बढ़ते जो 3 बार मैंने पेपर दिया है, 2017, 2018, 2019, उन तीनों स्कोर में आई टॉप्ड, आई इम्प्रूव्ड। और बात टॉप करने की है तो या आई टॉप्ड इन माई सेल्फ। मैंने 3 सालों में अपने स्कोर में टॉप किया है। मैंने पहली बार जब SBI PO दिया था तो मुझे कुछ समझ नहीं थी कि क्या कितनी देर में हो रहा है, कुछ नहीं पता था। ऐसे 20-22 नंबर लाया था 2017 में और मैं डिग्री कर रहा था बीटेक की। उसके बाद जब पिछले साल पेपर दिया तो, और जब मैंने 2017 में पेपर दिया तब कट ऑफ गई थी अप्रॉक्सीमेटली 50-51। आई वाज लाइक अच्छा 51 टारगेट, 51 ओके। तो आई एट 2018 आई क्लियर द डिग्री। मैंने कहा चलो अब एग्जाम देते हैं, 51 की कट ऑफ है तो अप्रॉक्सीमेटली 55 क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने की 55, मार्क्स आए 37.5 और कट ऑफ गई 57। अच्छा ठीक है 57, अब कट ऑफ को हमने हाई कर दिया, चलो ठीक है 57। अब आया 2019, अब सोचा यार देख कट ऑफ बढ़ रही है तो इस बार थोड़ा पेपर मुझे इंग्लिश में मैंने बताया था कि थोड़ा इजी लग रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है 61 के आसपास चली जाएगी तो ऐसा करते हैं 65 क्वेश्चंस करते हैं। 65 क्वेश्चन सोचे, 65 में से मेरा आई 52.25 और हंसी वाली बात है कि कट ऑफ चली गई 71। मेरे एक दोस्त ने क्लियर किया, उसने 85 क्वेश्चन किए थे। आई वॉज लाइक कैसे? हाँ पर ये कि मेरी वो नहीं निकल रही अभी। कहते हैं तो कि 3 ट्राई होते हैं जनरल वर्ग को, 3 ट्राई दिए जाते हैं की पेपर देने के लिए। अब ये नहीं समझा कि मैंने 3 बार दिए तो मेरे 3 ट्राई निकल गए। नो, SBI वाले ने बड़ा अच्छा एक स्कीम निकाली, वो ये है कि जब तक आप प्री क्लियर नहीं करते तब तक आपका एक ट्राई काउंट, एक जो काउंट होता है वो नहीं गिना जाएगा। तो मेरे दोस्त का काउंट गिना गया, आई होप कि उसका मेंस क्लियर हो जाए। एंड ये जो था SBI PO Prelims, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई होप अगले साल 81 या 91 ना चली जाए, नहीं तो उसके अगले साल तो ऐसा सपोज होंगे 100 में से 100 चाहिए थे एंड 91 वाला ओ सॉरी यू आर फेल। तो हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी है। तो यही, तो अगर आपको मेरी टॉप होने वाली स्टोरी पसंद आई और इम्प्रूवमेंट वाली स्टोरी पसंद आई, दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें। नमस्ते।